सो हे एवरीवन, तो मेरा नाम है क्रिस और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल क्रिस पे। तो आज के एक और न्यू वीडियो में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट के बारे में, जो कि मैं इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बना चुका हूँ, हाउ टू रूट एंड्रॉयड फोन विदाउट पीसी विद पीसी। और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन बंदों को रूट करना चाहिए अपना फ़ोन और इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, और रूट करने के बाद क्या क्या आप बेनिफिट ले सकते हो और क्या क्या इसमें आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखा रूट के ऊपर, कैसे रूट कर सकते हो फोन को विद पीसी विदाउट पीसी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप है मैं बता रखा हूँ। और कुछ बंदे ये भी कमेंट करते हैं कि मतलब ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। तो मैं बता दें, चल सब फोन का बूट अनलॉकिंग प्रोसेस अलग है, बट रूट प्रोसेस मैक्सिमम सेम ही है। और मीडियाटेक के डिवाइस जो होते हैं उसमें मान लो कि बहुत फ़ोन सपोर्टेड नहीं होते, ओप्पो वीवो का भी मान लो उसमें भी सपोर्टेड नहीं होते, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के लगे, तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो आज के इंट्रो के बाद तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडवांटेज की तरफ जाना चाहता हूँ, अभी बताऊंगा कि एडवांटेज क्या क्या मिल जाएगा आपको फ़ोन रूट करने का, और जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप होता है रूट करने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा आप सुपर यूजर की तरह एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो रूट प्रोसेस से पहले आपको बूट लॉक अनलॉकिंग प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। बूट लॉक अनलॉकिंग प्रोसेस ये होता है कि मतलब फ़ोन को अनलॉक कर दोगे आप, मतलब किसी भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए या फिर एक्सटर्नल ट्विक के लिए, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के लिए आप मतलब उसे अलाउ कर दोगे, मतलब अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद अलाउ हो जाएगा आप, उसके बाद मतलब कस्टम रिकवरी लाइक TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, पिच ब्लैक लाइक, मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कस्टम रिकवरी होता है जो इंस्टॉल कर सकते। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में, और कस्टम रोम इंस्टॉल करना मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप हो जाएगा आप अगर बूट लॉक अनलॉक कर लेते हो। तो बूट लॉक अनलॉक करने के बाद मतलब ये होता है कि अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो बूट लॉक अनलॉक मत करो। काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन है कि फ़ोन कंपनी जैसे मान लो बूट लॉक अनलॉक के बाद वारंटी अवॉइड हो जाएगी, मान लो एक साल या दो साल का आपके पास वारंटी और मान लो बूट लॉक अनलॉक कर लिया आपने, तो उसके बाद आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वो मतलब मना कर देंगे कि आपका फ़ोन बूट लॉक अनलॉक है, सर्विस में नहीं आएगा। तो अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो बूट लॉक अनलॉक ना करें। फर्स्ट मिस्टेक ये होता है कि बंदे बूट लॉक अनलॉक कर लेते, उसके बाद यार ऐसा होता है कि वारंटी अवॉइड हो जाती है। ओके, तो यही कुछ है फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज इसका, उसके बाद चलते हैं एडवांटेज पे। पहले एडवांटेज बात करते फिर डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो जाएगी आपको रूट करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोन को अपने कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मान लो एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो, अपने बैटरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, और जैसे मान लो बैटरी परफॉर्मेंस को अपने अनुसार इंक्रीज कर सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होता है, उसमें अगर आपके पास मान लो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और मान लो 7 Gen 2 और उसका कुछ क्लॉक स्पीड होगा, तो क्लॉक स्पीड को आप मैक्सिमम पे सेट कर दोगे तो आपका फ़ोन मतलब फास्ट चलेगा पहले से, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। और बैटरी बैकअप भी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे क्लॉक स्पीड को डाउनग्रेड करके आप बैटरी बैकअप इंक्रीज कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा बूट लॉक अनलॉक कर लेते हो तो। और उसके बाद ये भी है कि आप बूट लॉक अनलॉक करने के बाद मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कस्टम जो होता है कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्विक पे मतलब कर सकते हो, और मैजिक्स एप्स की मदद मतलब सुपर यूजर ये सब एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। ओके, तो आप ट्विक पे ट्विक कर सकते हो, उसके साथ आप बैटरी बैकअप, गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। मॉड्यूल की मदद मतलब से आप गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लेते हो अपने फ़ोन में, जैसे मान लो आपके पास मतलब पहले मुकाबले आ रहा है मान लो 55 FPS आ रहा है, 50 FPS आ रहा, कॉन्स्टेंट आप 60 FPS भी सेट कर सकते हो, और उसका रेजोल्यूशन भी मैक्सिमम कर सकते हो। उसमें अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट यूज़ करना वो भी कर सकते हो, उसमें काफ़ी ईजिली हो जाता है सब चीज़ रूटेड फ़ोन में। तो अगर आपके पास सोमी का फ़ोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सब इजीली कर सकते हो, और कुछ फ़ोन जो होते हैं स्नैपड्रैगन बेस वो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ को सपोर्ट करते हो। और उसके बाद आप कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद मतलब लेटेस्ट एंड्रॉयड यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपका भी मान लो एक्सपीरियंस 4 साल का या फिर 3 साल का अपडेट आता होगा आपके फ़ोन में, तो वो अपडेट एक्सपायर हो चुका है, मान लो एंड्रॉयड 14 या फिर 13 के बाद आपका फ़ोन में अपडेट आना बंद हो गया, फिर मान लो 10 भी है जो भी है, तो उसमें आप मतलब एंड्रॉयड 14, 15, 16 जो भी अपकमिंग अपडेट है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। बस ये चांस है कि आना चाहिए वो अपडेट, आपके फ़ोन के लिए सपोर्टेड होना चाहिए। और ये सब चीज़ आप टेलीग्राम पे फाइंड कर सकते हो, मैं डिवाइस का नाम सर्च करके, मान लो आपके पास है अभी वीवो का फ़ोन तो आप चेक कर सकते हो, वीवो के कुछ फ़ोन में के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मतलब वो है कस्टम रिकवरी या कस्टम रोम अवेलेबल है, बट सारे फ़ोन के लिए नहीं है। और ओप्पो का आई थिंक कुछ ही फ़ोनों के जिसके लिए अवेलेबल हो गए, ये सब कंपनियाँ होती है जो बूट लॉक अनलॉकिंग अलाउ नहीं करती,
और मीडिया टेक का प्रोसेसर भी यही अलाउ नहीं करता सेम कंडीशन। बहुत कम फ़ोन होते हैं मतलब मीडिया टेक वाले जिसमें अलाउ करते, और स्नैपड्रैगन के मुकाबले उसमें इतना मतलब परफॉर्मेंस या ट्विक नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें पोर्ट करना रोम स्नैपड्रैगन के मुकाबले। स्नैपड्रैगन इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो जाता है। तो डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हो, तो अब अगर आप फ़ोन आपको बूट लॉन अनलॉक कर लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वारंटी अवॉइड हो जाएगा। अगर आपने मतलब अच्छे से ट्विक नहीं किया या फिर ट्विक नहीं किया तो उसमें आपका मदरबोर्ड डेड होने के चांस हो सकते हैं। जैसे मान लो पूरा आपने ओवरक्लॉक फुल सेट कर दिया, फिर मैक्सिमम सेट कर दिया, फिर कुछ ऐसा मॉड्यूल कर दिया जो मान लो चार्जिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, फ़ोन में हीटिंग इशू आ सकता है, फ़ोन ब्रिक हो सकता है। फ़ोन ब्रिक मतलब कि फ़ोन बूट लूप में अटक भी सकता है, ब्रिक भी हो सकता है उसमें। मान लो ब्रिक हो गया तो उसमें कई केस में ऐसा होता है कि आपको डेटा फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी किसी केस में तो सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है। सॉफ्टवेयर अगर डिलीट हो गया आपके फ़ोन में तो मतलब पीसी के हेल्प से मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर किसी केस में आईसी भी डेड हो जाती है उसमें मदरबोर्ड भी। मतलब ये सब एडवांटेज है, अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो ये काफ़ी मतलब हद तक आपको फ़ोन को डैमेज कर सकते हो। ओके, और ये भी है कि आप मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अपने फ़ोन में तो उसमें बैंकिंग ऐप यूज नहीं कर सकते, और बाईपास करके यूज कर सकते हैं बट ये सेफ नहीं होगा आपके लिए। जैसे आप बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो, आपके पास हो सकता है उस बंदे ने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट डाला, उसके पास डेटा चला जाता हो, ये सब चीज़ डिसएडवांटेज में ही आता है। और अगर आप मतलब स्टॉक एंड्रॉयड पर, उस पर आपको सिक्योरिटी भी मिलता है और ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं रहेगा स्टॉक एंड्रॉयड पे। और कस्टम पे जाना चाहते हो, जैसे आप गेमिंग करो तो काफ़ी हद तक मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल गेमिंग के लिए फ़ोन है आपके पास, पर्सनल फ़ोन है तो कर सकते हो, मतलब घर वालों का फ़ोन है फिर मत करना, नहीं तो फिर अगले दिन कुछ हो सकता है आपके साथ। मान लो फ़ोन में डेटा आपका कॉन्टैक्ट उड़ गया पूरा, फिर डेटा फॉर्मेट हो गया तो आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, मतलब घर वाले के साथ। मान लो कोई आपके पास पर्सनल डेटा है या फिर कुछ ऐसा है जो डिलीट हो गया उसके बाद मिलेगा नहीं, तो ये सब चीज़ डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। एडवांटेज ये कुछ पहले बता चुका हूँ, डिसएडवांटेज ये कुछ रहा। तो अब इसके बाद भी आप रूट करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने फ़ोन को, वारंटी अवॉइड होती है इस चीज़ में, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये मेन चीज़ है। जब मान लो अपने आप फ़ोन लाया, रूट कर दिया, अगले दिन कुछ फ़ोन को हुआ यार, आप जाओगे मतलब 20,000-15,000 जो भी अपने फ़ोन में पैसे लगाया, फिर महंगा भी हो सकता है आपका 5,000-10,000 जो भी है, तो आप वहाँ पे जाओगे फिर वो बंदे बोलेंगे कि यार आपने फ़ोन रूट किया, ये वारंटी में फ़ोन नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये सब चीज़ में। तो आप मतलब वारंटी में तो मत ही करना, आपके पास पुराना फ़ोन हो चुका है तो आपका पर्सनल फ़ोन है, गेमिंग करते हो या फिर ऐसा कुछ है जिसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज चाहते हो या फिर कैमरा क्वालिटी इंक्रीज चाहते हो, कस्टमाइजेशन चाहते हो, ये सब चीज़ का शौक है तो कर सकते हो, पर्सनल फ़ोन है तभी करना। तो यही सब डिसएडवांटेज एडवांटेज है कुछ, और फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, और एक और चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पे एक स्ट्राइक आता है चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, और मतलब मेरे काफ़ी मतलब ये 12,600 या आसपास में सब्सक्राइबर है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा ये सब चीज़ करने के लिए। जब मैं थोड़ा बहुत सेटअप लाया ये सब चीज़ लाइट वाइट, मैं फर्स्ट वीडियो शायद जिस पे अपलोड कर रहा हूँ जिसमें लाइट या फिर और रिंग लाइट लाया हूँ अभी, और उसके बाद मतलब चैनल पे स्ट्राइक आया, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है मतलब ये सब चीज़ भी लिया और स्ट्राइक भी आ गया, एक स्ट्राइक के बाद चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं थोड़ा बहुत अपडेट दे दूँगा, या फिर कोई चैनल टर्मिनेट हो जाए तो वहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा चैनल का, और वहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो। तो आप सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, स्ट्राइक पे स्ट्राइक चलते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।